प्रति समय एक सैनिक के मन की चार पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन में अपना आगाज करना चाहता हूँ। स्वागत। हमारे सैनिक होते कौन है, कैसे है ये सैनिक, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आपका विशेष मन मांगता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, ये सैनिक होते कौन है, सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते पक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं, हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं, जब भी शीश वतन ने मांगा शीश तान कर आते हैं, जब भी शीश बात प्रणाम करता हूं, लेकिन अभी भी कुछ खामोश है, आप अपनी खामोशी को तोड़िएगा, जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं, अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं, इनके कारण ही उन्नत के सुदृढ़ होती डाली है, इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है, इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है, इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है, मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ, लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था, मैं थोड़ा कटु होता हूँ लेकिन मंत्री जी ये वादा करता हूँ कि जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा, लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा चलता था, देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था, केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे, कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो, भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, अपने तिरंगे का जिंदाबाद अपमान नहीं होने देंगे, जिसके कहने सागर में यदि देश प्रेम का द्वार ने खुला हो सके, भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों हाथ उठाकर, इनके कहने सागर में यदि देश प्रेम का द्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत माँ से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जल हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूँ, मैं पवार जी का वंशज हूँ, सीना ठोक के बोलूंगा ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे क्या बेबाकी है, जिद की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, आप अपनी जिद से अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचिएगा, भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा, यहां तिरंगे के आगे नित सबको शीश झुकाना होगा, और जिन्हें तिरंगा प्यारा ना था हिंदुस्तान वो छोड़ चुके हैं, हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा, हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा, भगत सिंह के आदर्शों को निज जीवन में लाना होगा, तुम्हें तिरंगे झंडे को ही अपना इष्ट बनाना होगा, और वंदे मातरम गाने से जिनको है परहेज यहाँ, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।